पिछले दिनों राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी रही। राखी सावंत ने बिग बॉस के सीज़न 14 में एक चैलेंजर के तौर पर एंट्री मारी और इस सीज़न के एंटरटेनर का टाइटल अपने नाम किया, जिसके बाद वो शो के फिनाले से जस्ट पहले 14 लाख रुपए लेकर घर को छोड़कर चली गई, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने अपनी माँ का कैंसर ट्रीटमेंट करवाया, जिसके लिए सलमान खान ने उनकी मदद करी। सलमान खान को थैंक यू कहते हुए राखी सावंत ने कई वीडियोज़ भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने अपने बिग बॉस 14 के को कंटेस्टेंट्स के लिए एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की, जिसके चलते राखी सावंत पिछले दिनों हेडलाइंस में बनी रही। लेकिन अब एक और वजह सामने आई है जिस वजह से राखी हेडलाइंस में बनी हुई है, और वो है राखी सावंत और उनके भाई राकेश के अगेंस्ट एक फ्रॉड का केस। जी हाँ, आपने सही सुना, राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने उनका नाम लेते हुए शैलेश श्रीवास्तव नाम के दिल्ली के एक व्यक्ति से कुछ पैसा लिया। उनके अगेंस्ट विकासपुरी के पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल किया गया है। अपेरेंटली शैलेश ने कहा कि राखी सावंत के भाई और राज खत्री ने दोनों ने उनसे बात की कि वो गुरमीत राम रहीम की लाइफ पर एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं, साथ ही वो उनके साथ एक डांस इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने शैलेश से 6 लाख रुपए का चेक लिया और उसके बदले में उन्होंने उसे 7 लाख रुपए का चेक दिया, जो बाद में जाकर वो करवा सकते थे और बैंक से निकलवा सकते थे। लेकिन जब शैलेश वो चेक लेकर बैंक गए तो बैंक ने उन्हें बताया कि ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है। इसके बाद शैलेश ने राज और राखी सावंत के भाई राजेश दोनों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और दोनों ने ही उनके फ़ोन नहीं उठाए, जिसके बाद उन्होंने राखी राजेश और राज के अगेंस्ट एक फ्रॉड केस फाइल किया है दिल्ली के पुलिस स्टेशन में। ना ही राखी और ना ही उनके ब्रदर की तरफ से अभी तक इस बात पर कोई भी स्टेटमेंट आई है।